ये साखी है सिख धर्म के दसवें गुरु साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये बात है अगस्त सन 1665 की, जब सिख धर्म के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी धर्म और मानवता का प्रचार करने के लिए श्री आनंदपुर साहिब पंजाब के पूर्वी भारत की ओर एक लंबी यात्रा के लिए निकले थे। गुरु साहब अपनी माता नानकी जी, धर्मपत्नी माता गुजरी जी और उनके भाई श्री कृपाल चंद जी के साथ मथुरा, कानपुर, बनारस होते हुए मई 1666 में पटना पहुंचे। उन दिनों पटना में मौसम बहुत ही खराब था, बरसात थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से माता गुजरी जी की तबीयत भी बहुत खराब थी। ऐसी हालत में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने माता गुजरी जी के लिए पटना में ही रुकने का बंदोबस्त किया। पटना के राजा फतेह चंद मैनी ने उनकी देखरेख का जिम्मा लिया और माता गुजरी जी के भाई श्री कृपाल चंद जी को परिवार की जिम्मेदारी देकर गुरु साहब खुद आगे आसाम की ओर यात्रा के लिए रवाना हो गए। 5 जनवरी 1666 को पटना की मुबारक धरती पर कलगीधर दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश हुआ। उनका नाम गोविंद राय रखा गया। उनके जन्म के समय पटना से कई मील दूर करनाल जिले के एक छोटे से गांव थसका में एक अनोखी घटना घटी। जब नमाज के समय सभी मुसलमान मक्का की ओर सजदा कर रहे थे, तभी एक फकीर मक्का की तरफ पीठ करके पूर्व दिशा में सजदा करने लगे। ये रब्बी फकीर सैयद भीकम शाह थे। फकीर को ऐसा करते देख उनके मुरीद हैरान हुए और पूछने लगे कि उन्होंने मक्का का अपमान करते हुए पश्चिम की बजाय पूर्व दिशा में सजदा क्यों किया। पीर भीकम शाह ने मुस्कुराते हुए अपने मुरीदों से कहा कि अभी अभी उन्हें पूर्व दिशा की ओर से आकाश में एक दिव्य प्रकाश का एहसास हुआ है। ये प्रकाश अलौकिक था, धरती पर एक रब्बी नूर का प्रकाश हुआ है और उस नूर से रूबरू होने के लिए हम सबको चलना चाहिए। फकीर की ये बात सुनकर सभी मुरीद पीर जी के साथ उस नूर की तलाश में चलने के लिए तैयार हो गए। लगभग 2 महीने का लंबा और कठिन सफर तय करने के बाद पीर भीकम शाह अपने मुरीदों के साथ पटना पहुंचे। अपनी मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले उस महल के आगे श्रद्धा से अपना शीश झुकाया जहां उस अलौकिक नूर का प्रकाश हुआ था। फिर उन्होंने महल की सेवादारनी से उस रब्बी नूर के दर्शन करने का आग्रह किया। सेवादारनी ने पीर भीकम शाह का संदेश माता गुजरी जी तक पहुंचाया। गुरु तेग बहादुर जी की गैर हाजिरी में माता गुजरी ने बालक गोविंद राय को किसी गैर से मिलाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन पीर भीकम शाह ने ठान लिया था कि उस नूर के दर्शन किए बिना वो वहां से जाएंगे नहीं। इसलिए उन्होंने अपने मुरीदों के साथ महल के बाहर ही स्थान ग्रहण कर लिया। अगले दिन
उन फकीरों को बाहर बैठा देख कृपाल चंद जी ने उनके लिए लंगर का इंतजाम करवाया, लेकिन पीर शाह ने लंगर चखने से इनकार कर दिया और कहा कि कोई भी लंगर उनकी भूख नहीं मिटा सकता। ये भूख तो उस नूर के दर्शनों से ही मिटेगी। पीर शाह की श्रद्धा देख माता गुजरी जी ने उन्हें बालक गोविंद के दर्शन करने की इजाजत दे दी। रब्बी बालक के अलौकिक रूप को देखकर पीर भीकम शाह अचंभित रह गए और उन्हें काफी देर तक निहारते रहे। पीर साहब ने बालक गोविंद के सामने दो मिट्टी के मटके रखे। नन्हे गोविंद मटकों को देखकर मुस्कुराए और अपने दोनों हाथ उन दोनों मटकों पर रख दिए। ऐसा करता देख पीर भीकम शाह ने बालक गोविंद की तरफ अपना शीश झुका दिया। वहां उपस्थित सभी लोग पीर को ऐसा करते देख हैरान हो गए। पूछने पर पीर भीकम शाह ने बताया कि दोनों मटकों में मिठाई थी, एक में हिंदू की दुकान से और दूसरे में मुसलमान की दुकान से। मैं जानना चाहता था कि बालक गोविंद किसका साथ देंगे। उन्होंने दोनों मटकों पर हाथ रखकर यह बताया कि उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्यारे हैं, इसलिए वो हिंदू और मुसलमान दोनों का साथ देंगे। यही रब्बी नूर आगे चलकर सृष्टि के सबसे बड़े नायक सरबंस दानी दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बने। उस जगह जहां गुरु जी का प्रकाश हुआ, आज उसको तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहेब के नाम से जाना जाता है, जो सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। आज्ञा पई अकाल की, आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पन सब सिखन को हुकुम है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ।